तो अब अगर ई e लर्निंग या फिर ऑनलाइन एजुकेशन पे कोई ऐसे आ जाता है तो उसकी अपन ओपनिंग कैसे कर सकते हैं कि जैसे अपन शुरुआत में एग्जामिनर को दोनों पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं कि एट वन एंड बोरिंग ई लर्निंग फेल्स टू एंगेज द लर्नर्स माइंड वेयर एज ऑन अनदर ई लर्निंग शूडेंट बी अ कैजुअल जॉय राइड ऑन अ संडे आफ्टरनून सोल पर्पज ऑफ ई लर्निंग इज टू टीच तो ई e लर्निंग क्या बैलेंस्ड होनी चाहिए कि ना तो वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होनी चाहिए और ना ही उसमें बहुत ऐसा कि, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको बस बहुत मजा आया और जब तक मजा आया तब तक, तक आपने पढ़ाई की फिर छोड़ दिया उसके बाद में ये अपनी स्टार्ट हो सकती है एक छोटे से कोर्ट के साथ कि एट वन हैंड बोरिंग ई लर्निंग फेल्स टू एंगेज द लर्नर्स माइंड वेयर एज एट अनदर ई लर्निंग शुडन बी अ कैजुअल जॉय राइड ऑन अ संडे आफ्टरनून द सोल पर्पज ऑफ ई लर्निंग इज टू टीच ठीक है उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं अपने क्या है कि अभी इम्पोर्टेंट जो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी हो गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद तो वो उसने कौन कौन से और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से पोर्टल्स लॉन्च करें एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्टल मेरे को लगा वो है स्वयं ठीक है तो स्वयं के अंदर स्वयं वर्क्स ऑन द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन ये मैंने स्वयं की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे उठाया है कि एजुकेशन के तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं एक्सेस इक्विटी एंड क्वालिटी के सब सबको एक्सेस होना चाहिए और इक्वली होना चाहिए एक्सेस और क्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन में ठीक है फिर स्वयं प्रोवाइड्स कंटेंट फॉर स्कूल आउट ऑफ स्कूल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन अब मतलब ये ये क्या है स्कूलिंग के तीन तीन चार वो पार्ट्स हैं कि स्कूल Uh, क्या स्कूल आउट ऑफ द स्कूल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट जो अपना पिछली बार एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पे ऐसे लिखने को आया था उस ऐसे के अंदर भी जब मैंने वो ऐसे लिखा था तो मैंने इसी तरीके से लिखा था कि जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की तो वो प्री प्राइमरी स्कूल से पहले फैमिली में उसकी सबसे ज़्यादा एजुकेशन में इम्पोर्टेंस होती है कि बच्चे का इनिशियल बच्चे का दिमाग किस स्पीड से पूरे लाइफ टाइम बढ़ेगा वो उसके तीन साल जो घर में उसके पेरेंट्स उसको किस तरीके से नर्चर करते हैं बड़ा करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके बाद में प्राइमरी स्कूल में उसकी एजुकेशन एजुकेशन uh, पे उसका इनिशियली uh, दिमाग कैसे डेवलप होगा फिर uh, जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है तो उस वक्त मैंने ऐसे पार्ट्स के अंदर लिखा था तो uh, जब अपन यूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं ना तो अपने को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है टॉपिक्स पर ठीक है आप जैसे ई e लर्निंग के बारे में ई e लर्निंग किस किस तरीके से हो सकती है इन वीडियो लेक्चर्स डाइन डाउन डाउनलोडेबल डाउनलोडेबल रीडिंग मटेरियल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट ऑनलाइन डिस्कशन फॉर फोरम्स और इन चारों ही फॉर्मेट्स में हमें स्वयं पे भी स्वयं भी इन चारों फॉर्मेट्स में कंटेंट प्रोवाइड करता है ठीक है और दिस स्वयं प्लेटफॉर्म आल्सो इम्पार्ट्स एजुकेशन इन सेवरल रीजनल लैंग्वेजेस ठीक है बहुत काटाबीटी होगी होपफुली आपको समझ में आया होगा ठीक है उसके बाद में स्वयं प्रभा स्वयं प्रभा एक पोर्टल लॉन्च किया एक ये ग्रुप ऑफ डीटीए चैनल्स हैं जो कि ट्वेंटी फोर इंटू सेवन चलते हैं और ये सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है थर्टी टू डी चैनल्स हैं so under Swayam prabha government have launched a collection of 32 dta channels which run for students on a 24 into 7 basis apart from that there is another, another portal that is shagun online junction and in this online jun junction there are three important uh, portals that is national repository of uh, online educational resources दीक्षा एंड ई पाठशाला पोर्टल अब सबके तो डेफिनेट जाके पढ़ नहीं सकते तो मैंने इनके नाम ही याद रख लिए हैं सिर्फ कि दीक्षा है और ई e पाठशाला है और नेशनल रिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स है ठीक है उसके बाद में ई e लर्निंग के ड्रॉबैक्स क्या, क्या क्या हो सकते हैं कि एक तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता बच्चे का और उसके बाद में अभी जो सिचुएशन चल रही है पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेरेंट्स पे काम के अलावा बच्चों की पढ़ाई का प्रेशर और बढ़ जाता है बिकॉज टीचर्स आर नॉट एक्टिवली एंगेज इन इन टू चिल्ड्रंस मेंटल ग्रोथ ठीक है और अभी करेंटली वी आर लिविंग इन एरा ऑफ डिजिटल डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एंड इन दैट इन सच काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज दैन द चांसेज ऑफ़ बींग डिस्ट्रेक्टेड आर टू मच ठीक है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हो सकते हैं ई लर्निंग के कि जैसे देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैड इंफ्लुएंस ऑन इंटरनेट सो इफ चाइल्ड्स आर नॉट गाइडेड बाई देयर गार्जियंस इन अप्रोप्रिएट मैनर दे मे रिसीव रोंग एजुकेशन ओके सो मतलब वो एग्ज़ाम के टाइम पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है तो जितने फैक्ट्स अपने को पहले से पता है बहुत सारे टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट वो अपने को उतना ज़्यादा हेल्प करेंगे वहाँ पर और थोड़ा अपने पढ़ने का तरीका भी अच्छा मतलब अपना आ, क्या बोलते हैं लिखने का तरीका सेंटेंस फॉर्मेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर की थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए मेरे तो खुद को अभी सिर्फ दो दिन हुआ प्रैक्टिस करते हुए तो कुछ ख़ास अभी हाथ बैठा नहीं है बट फिर भी आ, जितना मैटर पढ़ सकते हैं और जितना राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपन यही है अपने हाथ में तो ठीक है गाइस तो अभी एक और ऐसे बच्चा है जो मैंने लिख रखा है वो उस पर है न्यू नॉर्मल पे वो काफ़ी अच्छा मैंने पूरा ऐसे टाइप ही लिखा है तो वो भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ